Marina Bach. Very good, good. Antibiotic. बड़ा अच्छा हुआ, तो बहुत सही वक्त पे तो बता। आज ध्रुव और डिम्पी का रिश्ता पक्का हुआ है। मम्मी जी, बच्चों का मुंह मीठा करवाइए ना। जी नहीं आंटी। अंकल, हमें आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। और वो भी अभी इसी वक्त। कौन सी जरूरत बात बेटा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है पापा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जीजू, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। जीजू, आप लोग यही पूछना चाहते हैं ना कि यहाँ पे आपको बिना इन्फॉर्म करे घर वालों ने डिम्पी और ध्रुव के रिश्ते को कैसे पक्का कर दिया? आपको यही बात ठीक नहीं लगी ना? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। And I'm sure कि आपको ये सब सुनकर ना कोई शिकायत नहीं होगी। अंकल जी, आप लोग बातें करिए, हम बस अभी आते हैं। मेघा, जीजू आइए ना। आओ आओ मेघा। ये क्या हो रहा है गिनी? जब तुम और ध्रुव एक दूसरे से प्यार करते हो तो ध्रुव और डिम्पी का रिश्ता कैसे हो सकता है? तुमने अपने प्यार के बारे में घर वालों को नहीं बताया? हाँ जीजू, हमने नहीं बताया। और प्लीज, आप भी किसी से कुछ मत कहना। घर वालों की भलाई के लिए और डिम्पी दीदी की खुशी के लिए ध्रुव और मैंने ये फैसला किया है कि हम अपने प्यार को भुला देंगे। हम अपने प्यार के बारे में सबको बताने वाले थे, पर उससे पहले ही अंकल जी के दिल में ध्रुव और डिम्पी दीदी की शादी का ख्याल आ गया। बाकी सब भी इस रिश्ते से बहुत खुश हो गए। डिम्पी जब भी ध्रुव के साथ रहती हमेशा हंसती खुश रहती। वो तो दक्ष जीजू के धोखे को भी भुलाने लगी हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि ध्रुव और डिम्पी दी शादी कर। अच्छा, तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से तू भैया के साथ इस तरह से बिहेव कर रही थी ना? उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही। तूने मुझसे जो कुछ भी कहा, भैया की बुराई और वो सारी बातें। हाँ मेघा, मैंने ध्रुव के बारे में वो सब इसलिए कहा ताकि उसको फैसला लेने में परेशानी ना हो। मैं नहीं देख सकता, मैं अभी जाके सबको बताऊंगा। प्लीज जीजू, आप किससे कुछ मत कहिएगा। घर वालों की उम्मीदें टूट जाएंगी जो उन्होंने ध्रुव के साथ लगा कर रखी हैं। सब चाहते हैं कि डिम्पी दीदी और ध्रुव की शादी हो जाए, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो घर में कोई खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन गिन्नी, प्लीज जीजू, आप किसी से कुछ मत कहिएगा, आपको मेरी कसम है। अरे गिन्नी बेटा, अरे हो गई तेरी बात? हाँ जी अंकल, आए। अंकल जी बुला रहे हैं आप, प्लीज आप दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आइए चलिए। आ बेटा, अब तो सब पता चल गया ना? उतर, सब कुछ इतना बस अचानक से हो गया है? कोई नाराजगी तो नहीं ना? नहीं अंकल, अब कोई नाराजगी नहीं। क्यों मेघा? अब हाँ जी अंकल, वैसे भी जितनी नाराजगी थी वो गिनी ने सब दूर कर दी। और वैसे भी अब मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी भाभी भी हो गई। ऐसा ही होता है बेटा, जब एक रिश्ता बदलता है ना तो सारे रिश्ते बदल जाते हैं।
नमस्कार जजमान। हेलो जी, पंडित जी भी आ गए। आइए आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, आइए आइए। बैठिए विराज जी, बैठिए बैठिए। हाँ जी बताएं, कब मुहूर्त निकला है ध्रुव और डिम्पी की शादी का? अरे जजमान, मुहूर्त तो सभी बहुत अच्छे हैं, बाकी आप जो बोले। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, हम तो चाहते हैं कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ पंडित जी, और शुभ काम में देर किस बात की? पंडित जी आप तो जो सबसे पहला मुहूर्त है ना वो बता दीजिए, हम इसी महीने करेंगे दोनों बच्चों की शादी। लो जजमान, सबसे पहले सबसे अच्छा मुहूर्त परसों दोपहर 12 बजे का है। अरे नहीं नहीं, नहीं पंडित जी, परसों वाला नहीं जी, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे हमें भी तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। अंकल जी बुरा मत मानेगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एकदम सिंपल तरीके से हो। मुझे दुनिया को अपनी खुशियाँ नहीं दिखानी, मैं तो बस अपने परिवार की खुशी चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी घर के इसी आंगन से हो। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। डिम्पी बिल्कुल ठीक कह रही। क्या करना है दुनिया को दिखा के, वो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा बातें होंगी। पुत्र शादी बिल्कुल सिंपल होगी जैसा तू कहेगी। हाँ बेटा, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है, और तेरी डोली ना इसी घर से उठेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने दी। दी आप जैसा चाहती हैं ना, इस बार बिल्कुल वैसा होगा। आपकी खुशियों को नजर नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। देखा इतनी समझदार है अपनी बच्ची। बेटा ये शादी हो जाने दे जल्दी से, उसके बाद फौरन तेरे लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाऊंगा मैं। जा करके पेपर और पेन लेकर गया मामा, लीजिए ना। क्या क्या करना है? केटरिंग नहीं, मैं तो इसको थोड़ा कवर कराना पड़ेगा। कर देंगे ना टाइम। ओए ये कहाँ चला गया? लिस्ट बन रही है ना, इसलिए चला गया। और अल्लाह बेटा हमें बना। हाँ भाई मैं आया था, थोड़ी बन जाएगी दो मिनट में यार। रो यहाँ क्यों आई है तू? वो तो नीचे से चला आया इसीलिए। तो क्या करता वहां बैठ के, मुस्कुराता या खुशियां मनाता अपनी शादी की? हाँ लेकिन तू तो बहुत खुश है ना, क्योंकि जो तूने चाहता वो तो तुझे मिल गया। तो जा नीचे, खुशियां मना, तैयारी कर मेरी शादी की, लिस्ट बना मेरी शादी के कामों की लिस्ट, डिसाइड कर कौन से पार्लर में जाके तुझे तैयार होना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से गाने पे परफॉर्म करना है तुझे। तेरी जिंदगी का तो सबसे महान दिन है ना आज, महान बन गई तू सबसे महान। और वैसे भी पूरे घर में तेरी समझदारी की मिसाल दी जाती है, अब तो और चढ़ गई तो सबकी आंखों में। अच्छा है, यही चाहिए था ना तुझे। हाँ तो जा नीचे तैयारी कर, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जा नीचे तैयारी कर। प्लीज गुस्सा मत कर। मैं तुझ पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है, क्योंकि तो गलती मेरी है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैंने अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहा। सारी गलती मेरी, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझे मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझे मुझे मुझे। तो क्या करूं, तुझे तो चोट पहुंचा नहीं सकता ना, अपने आप को ही पहुंचाऊंगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। किस हक से रोकेगी तू मुझे? हाँ बोल, किस हक से रोकेगी? मैंने अपनी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक तुझे दिया था कि नहीं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के तूने उस सारा हक खो दिया। Oh
बचपन से लेकर आज तक तू जब भी रोती थी मैं हमेशा तेरे आसपास होता था, तुझे हंसाने के लिए, तेरे आंसू पोंछने के लिए। लेकिन आज देखना गिन कुछ कितना बदल गया। तू मेरे सामने अकेली अपने आंसू छुपा के रो रही है और मैं तुझे हंसाने के बजाय, तेरे आंसू पोंछने के बजाय मैंने तुझे और रुला दिया। बिना ये जाने, बिना ये पहचाने कि मुझसे ज्यादा दर्द तो तू झेल रही है गिनी। मैं इतना स्वार्थी हो गया हूँ, इतना स्वार्थी हो गया हूँ गिनी कि मुझे तेरी तकलीफ नजर नहीं आ। हाँ गिनी, मैं जानता हूँ कि मैं तुझे खोने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया कि तू भी तो मुझे खो देगी। आज आज हमारी जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है गिनी, वो हमारी किस्मत में लिखा, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की किस्मत में आंसू नहीं लिख सकता। बेटा नीचे चलकर अपना शगुन पूरा कर भाई, और गिनी तू भी जल्दी से नीचे आ जा। गिनी, आज आखिरी बार तुझसे एक चीज मांगता हूं, देगी? मैं जानता हूं गिनी, हमारे हमारे प्यार की उम्र बहुत छोटी थी, हम इसे जिंदगी भर के लिए नहीं निभा पाए, लेकिन लेकिन जो रिश्ता पूरा नहीं हो सका हम उसकी विदाई तो अच्छे से कर सकते हैं ना गिनी। उसकी अच्छी यादों की खाते, उसकी मासूमियत की खाते गिनी, मैं उस रिश्ते को वहीं अलविदा कहना चाहता हूँ जहां से ये शुरू हुआ था, और वो जगह है अपना ये छज्जा। हाँ गिनी, कल से हमारे रिश्ते के मायने बदल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ अच्छे पल, आखिरी पल इस छज्जे पर बिता सकते हैं। बोल गिनी, आज आखिरी बार तुम उससे मिलने आएगी? मैं आज शाम को यहीं तेरा इंतजार करूंगा गिनी, तू आएगी ना?
ओए गिनू पुत्र, तू भी मुंह मीठा कर। ओए तेरी बहन का रिश्ता हो रहा है, वो भी तेरे दोस्त के साथ। गिन्नी, तू अपने दोस्त को मिठाई नहीं खिलाएगी? वो तेरा जीजा बन गया है। जा पुत्र, जा खिला। रिश्ता तो पक्का हो गया और पंडित जी ने शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया। भाई चलो चलो, अब तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी यार शादी वादी की। मतलब क्या, तू फिर ऑफिस से छुट्टी लेने के चक्कर में? अबे मैं छुट्टी में तो रिटायरमेंट लेने के चक्कर में हूँ। कोई नहीं करना काम, घर पे करना है आराम। भाई इस शादी में ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी गिनी की, इसके बेस्ट फ्रेंड और इसकी बहन की शादी है। पुत्र, अफसोस की बात तो यह है कि शादी में ना तेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वैसे गिन्नी एक बात बता, तू लड़के वालों की तरफ से आएगी या लड़की वालों की तरफ से? एक तरफ तेरी बहन है और दूसरी तरफ तेरा अच्छा दोस्त भी है ना। मैं तो अपनी दी की तरफ से आप सबका स्वागत करूंगी। अच्छा गिन्नी, देख ले ध्रुव, दे दिया ना तुझे गिन्नी ने धोखा।